हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपके साथ कुटू के पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। तो जिसके लिए मैंने लिए हैं कुटू का आटा, उसमें डाली है लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, साबुत जीरा, हरा धनिया, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा नींबू का रस भी, बॉइल आलू। तो इनको हम फ्राई कर लेंगे पहले। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, तो हम अपने आलुओं को फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया, तो ऐड करेंगे जीरा, आलू, काली मिर्च और जीरे का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और लाल मिर्च पाउडर। अगर आप लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो आप काली मिर्च डाल सकते हैं। तो इनको फ्राई कर लेते हैं। आलू हमारे फ्राई हो गए हैं, तो ऐड करेंगे हरा धनिया और आलू को हम ठंडा होने देंगे। तो आलू हमारे ठंडे हो गए हैं, तो हम आटा गूंद लेते हैं। कूटू में हमें ब्रत वाला नमक ही ऐड करना है, तो हम आटे को मल लेते हैं। ऐड करेंगे नींबू का रस, इससे हमारे आटा हमारा मल गया है। तो थोड़ा सा ऑयल लगा के कर दीजिए, तो आपका आटा बहुत अच्छा बनता है। इस आटे की पूड़ियां भी बहुत अच्छी बनती हैं। तो मैंने गैस पे तवा भी रख दिया है, तो अपने पराठे को बेल लेते हैं हम। तो पराठे को बेल लेते हैं। हल्के हाथ से बेलना है। मीडियम फ्लेम पे सेकना है, हल्का हल्का घी लगाएंगे। तो पराठा हमारा बन रहा है मीडियम फ्लेम पर। ये मैंने आपको एक प्लेन पराठा बना के बताया है, और एक आपको मैं भरवा पराठा बना के बताती हूँ। आलू भर के बनाएंगे उसे। हल्के हल्के हाथ से बेलना है। जो हमने आलू फ्राई किए थे वो ही हमें पराठे के अंदर भरने हैं। पराठा हमारा बेल गया है, तो इसे सेक लेते हैं। तो हमारा पराठा सेक के तैयार हो गया, तो हम आलू का पराठा भरवा भी सेक लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है हमें इसे। तो हमारा आलू का पराठा भी बनके तैयार है, तो मैं आपको इन्हें थाली में रख के दिखाती हूँ। तो हमारे कुटू के प्लेन पराठे और आलू भरे पराठे बनकर बिल्कुल तैयार हैं।